What's up guys, welcome back with another video. तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी हमारी वो होगी ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट के ऊपर। ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट के काफी क्वेश्चंस थे कि सर ये सप्लीमेंट हमें लेना जरूरी है और इस सप्लीमेंट को लेने से बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ओमेगा 3 फिश ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लेते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे फिश ऑयल को। और फिश ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं और ये बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से आपको हेल्प करता है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, सेम अकाउंट है रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, जाइए वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिए। तो दोस्तों जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है एक फैटी एसिड है और ये बहुत ही जरूरी होता है आपके हार्ट के लिए। जो भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो इसी की कमी की वजह से होती है। तो ये हार्ट को आपके हेल्दी रखता है, उसके साथ में आपकी मसल्स को प्रिजर्व करता है, आपकी मसल्स गेन करने में बहुत हेल्प करता है। आपको अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके मसल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस केस में आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। और उसके बाद आपके ब्रेन को बिल्कुल रिफ्रेश रखता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जॉइंट्स, यानी कि आपके जॉइंट्स को भी मजबूत रखता है और जो जॉइंट्स पेन होता है उनको भी दूर करता है। तो चलिए इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो जो हमारा हार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। वो उसी वजह से होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है, उस वजह से आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, ये काफ़ी बीच में काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स जिनको हार्ट अटैक भी आया है और काफ़ी सारे नॉर्मल पर्सन भी होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट जैसी प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल बचा के रखता है, तो इसलिए ये सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मसल्स की। मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो मसल्स इंक्रीज करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो आपकी मसल्स की पावर इंक्रीज हो जाती है, आपकी वेट उठाने की पावर इंक्रीज हो जाती है। आप जिम में जाएंगे अच्छा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, उसके साथ साथ में जो आपकी मसल्स है वो साइज में आने लगती है और आपकी जो मसल्स है शेप में आने लगती है। तो जिससे आपका जो बाइसेप्स या चेस्ट जो भी आप बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करते हैं तो उनको अच्छी शेप मिलती है और मस्कुलर होने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ में आपके ये HGH लेवल यानी कि आपके हार्मोन्स ग्रोथ में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। उसके साथ में आपके जो मसल्स प्रोटीन एनाबॉलिक होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे जब आप जिम जाते हैं वर्कआउट करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल प्रिजर्व कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मसल बना पाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अगर आप मसल्स गेन करने की बात कर रहे हैं तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बोन डेंसिटी। ये सप्लीमेंट ओमेगा 3 आपकी बोन डेंसिटी को मजबूत बनाता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी हड्डियाँ पेन करती हैं, हड्डियों से आवाज़ आती है चटक चटक की, उनके जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, पेन होता है। तो ये आपके जॉइंट्स को पावरफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है या फिर जिन लोगों की बोन डेंसिटी कमज़ोर है तो उसे ये मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर आप जिम जा रहे हैं अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है तो आपको कोई भी इंजरीज के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से आप इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो ओमेगा 3 लेने से आपकी बोन्स की डेंसिटी मजबूत होती है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है आपके लिए। उसके साथ साथ दोस्तों ओमेगा फिश ऑयल के अंदर EPA और DHA होता है। EPA का काम क्या होता है, जो आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस होता है इसको स्ट्रेस को कम करता है, और EPA और DHA का काम ये भी होता है जो आपकी स्किन होती है उसको ग्लोइंग स्किन बनाने में और आपके जो रिंकल्स आते हैं चेहरे पे उस रिंकल्स को हटाने में काफ़ी हेल्प करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो अगर आप स्किन के बारे में भी अगर केयर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी ये सप्लीमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है। आपने देखा होगा जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होता है वो काफ़ी सारा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है। तो जैसे ही अगर आप इस सप्लीमेंट को लगातार लेते हैं 1-3 महीने तो आप देखेंगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी का फैट भी डिक्रीज होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट के सारे बेनिफिट्स बता दिए। अब मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे एनवेदा का ओमेगा 3 फिश ऑयल। एनवेदा का ओमेगा 3 फिश ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी सारे फिश ऑयल यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन पर्टिकुलर अब मैं इस ब्रांड का
फिश ऑयल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अंदर आपको मिल जाता है 1000 mg फिश ऑयल और EPA आपको 180 mg और उसके साथ में DHA 120 mg जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है EPA और DHA की। तो इस सप्लीमेंट को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी हार्ट की प्रॉब्लम, अपनी मसल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके साथ में आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे और बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है आपको इस सप्लीमेंट को लेने के बाद दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सप्लीमेंट आपको कहाँ से परचेज करना है, तो इसका बाइंग लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आपको कंपनी का बाइंग लिंक मिल जाएगा, अमेजोन का बाइंग लिंक मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट का बाइंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है और ब्रांडेड है और इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसके। तो इस सप्लीमेंट को आपको किस तरीके से लेना है, एक कैप्सूल आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं और एक आप वर्कआउट के बाद ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसकी 2 टैबलेट इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था एनवेदा ओमेगा 3 सप्लीमेंट का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और आने वाली वीडियोज़ किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।